नमस्कार दोस्तों, पीजी टेक्निकल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में कोविन एप्लीकेशन को कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो और गाइज अगर आपको नहीं पता कि कोविन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो गाइज आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए होते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना और गाइस आपको ऑल पर सेट कर देना, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हो कि कोविन एप्लीकेशन को हम कहाँ से और कैसे डाउनलोड करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले गाइज आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको सर्च करना है कोविन। जी हाँ गाइस, जैसे आप कोविन सर्च करोगे तो गाइस आपके सामने कोविन एप्लीकेशन आ जाएगी। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर कोविन एप्लीकेशन आ चुकी है। और गाइस अगर आप भी कोविन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अगर आप उसमें वैक्सीन के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो गाइस प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली गाइस आपको इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज़ यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करना होगा। जैसे ही एप्लीकेशन कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगी इसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी मोबाइल में जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद गाइज इस एप्लीकेशन में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है और गाइज हमारी जो एप्लीकेशन है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी हो चुकी है। तो गाइज़ कुछ इस प्रकार से आप प्ले स्टोर से कोविन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।